सब्सक्राइब कीजिए मैडर्स इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडर्स इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 ऐसे सेंटेंसेस जिनके ट्रांसलेशंस आपको शायद ही पता होंगे, और सारे सेंटेंसेस डेली लाइफ में बिल्कुल कहे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडर्स इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिना टाइम वेस्ट से आकर आज का वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, मिस्टर बीन देखते देखते वो खुशी से लोटपोट हो गया। मिस्टर बीन देखते देखते वो खुशी से लोटपोट हो गया। ही रोल्ड विद लाफ्टर वाइल वॉचिंग मिस्टर बीन। ही रोल्ड विद लाफ्टर वाइल वॉचिंग मिस्टर बीन। मिस्टर बीन देखते देखते वो खुशी से लोटपोट हो गया। दूसरा सेंटेंस, वह मन ही मन हंस रहा था। वह मन ही मन हंस रहा था। ही वॉज लाफिंग अप हिज स्लीव। He was laughing up his sleeve. वह मन ही मन हंस रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। His joy knows no bounds. His joy knows no bounds. उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। चौथा सेंटेंस, ये शायद आपको पता होगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने उसके जैसा डरपोक नहीं देखा है। मैंने उसके जैसा डरपोक नहीं देखा है। आई हैवंट सीन सच अ येलो पर्सन लाइक हिम। आई हैवंट सीन सच अ येलो पर्सन लाइक हिम। अगर कोई डरपोक है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है येलो पर्सन। ये एक फ्रेज की तरह काम करता है। येलो पर्सन मतलब होता है कि कोई डरपोक व्यक्ति है, उसे हम येलो पर्सन कहते हैं। कैसा लगा ये सेंटेंस कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या आप जानते थे ये भी जरूर बताइएगा। एल्पेनिबे खाने के बाद उसकी जीभ लपलपाई। एल्पेनिबे खाने के बाद उसकी जीभ लपलपाई। हिज टंग फ्लिक्ड आउट आफ्टर ईटिंग एल्पेनिबे। हिज टंग फ्लिक्ड आउट After eating Alpenibe, Alpenibe खाने के बाद उसकी जीभ लपलपाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। It is not as though he can do it, we can do it too. It is not as though he can do it, we can do it too. Not as though मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तब हम as though का यूज करते हैं। कैसा लगा है सेंटेंस कमेंट में जरूर बताइएगा। लॉकडाउन में ऑनलाइन बिजनेस की बहुत मांग बढ़ी है। लॉकडाउन में ऑनलाइन बिजनेस की बहुत मांग बढ़ी है। देयर हैज बीन अ हाई अपटेक ऑफ ऑनलाइन बिजनेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। देयर हैज बीन अ हाई अपटेक of online business during lockdown, मतलब कि lockdown के समय, lockdown के चलते जो online business है उसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है। मतलब लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस field में काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह हम use करते हैं इस particular sentence को जब हमें कहना हो कि किसी चीज़ की अगर मांग बढ़े तो हम इस sentence को कहते हैं। पानी इस निशान के ऊपर तक भरो। पानी इस निशान के ऊपर तक भरो। फिल द वॉटर अबाउ दैट मार्क। फिल द वॉटर अबाउ दैट मार्क। पानी इस निशान के ऊपर तक भरो। आपको ज्यादा पीला पहनना चाहिए, यह आप पर जचता है। आपको ज्यादा पीला पहनना चाहिए, यह आप पर जचता है। यू शुड वियर मोर येलो, इट सूट्स यू। यू शुड वियर More yellow, it suits you. मतलब कि आप पर पीला कलर, गहरा पीला कलर जचता है, आपको पीला कलर पहनना चाहिए। इस तरह हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को जब हमें कहना हो कि अगर आपके ऊपर कोई चीज़ जचती तो आपको वो करना चाहिए। उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। जब हम कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, किसी से बदला लेना होता है, तो हम कहते हैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। You'll have to pay the price.
You'll have to pay the price. उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. He will have to pay the price. इस तरह हम यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि अगर किसी को किसी चीज़ की कीमत चुकानी हो तो इस सेंटेंस का यूज़ किया जाता है. ये प्राइजिंग टर्म्स में नहीं है, ये गुस्से वाली टर्म्स में, उस सेंस में हम इसे कहते हैं. ये एक रिवेंज वाली फील आती है, उस सेंस में हम इसे कहते हैं. इस दवा से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा. इस दवा से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा. दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन. दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन. इस दवा से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा. इस तरह हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, जो कि डेली लाइफ में कहा ही जाता है. बक बक मत करो, स्टॉप येपिंग. बक बक मत करो, स्टॉप येपिंग. अरे नाश जाए तेरा, मुझे ही सारा खर्चा उठाना पड़ेगा. अरे नाश जाए तेरा, मुझे ही सारा खर्चा उठाना पड़ेगा. बहुत बार सेंटेंस कहते होंगे डेली लाइफ में, नाश जाए तेरा, गॉड डैम, मुझे ही सारा खर्चा उठाना पड़ेगा. आई विल हैव टू बियर द फुल कॉस्ट. गॉड डैम्ड, आई विल हैव टू बियर द फुल कॉस्ट. मतलब कि मुझे ही सारा खर्चा उठाना पड़ेगा. कैसा लगा सेंटेंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये पता था तो यस लिख के ज़रूर भेजिएगा. अंग्रेज़ी मेरे लिए हवा है. अंग्रेज़ी मेरे लिए हवा है. इंग्लिश इज़ माई बग बियर. English is my bugbear. अंग्रेज़ी मेरे लिए हवा है. मैं जल्दी आ गया ताकि ट्रैफिक जाम में ना फंसूँ. मैं जल्दी आ गया ताकि ट्रैफिक जाम में ना फंसूँ. I came early to avoid the traffic jam. I came early to avoid the traffic jam. बहुत बार ये सेंटेंस डेली लाइफ में यूज़ होता है जब ट्रैफिक वाले सिचुएशंस ऑकर होते हैं. पंखे के पर कमज़ोर हो गए हैं, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे ऊपर गिर जाए. तब इसका इंग्लिश बनेगा, फैन ब्लेड्स आर फ्रेल, बेवेयर लेस्ट इट शुड फॉल ऑन यू. फैन ब्लेड्स आर फ्रेल, मतलब कि पंखे के पर कमज़ोर हो गए हैं, ध्यान रखना कि तुम्हारे ऊपर ना टपक जाए. इस तरह से हम यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को. वैसे मैं ध्यान रख रहा हूँ, अभी तो नहीं गिरेगा. डॉक्टर्स उसकी बीमारी पता नहीं कर पाए. डॉक्टर्स उसकी बीमारी पता नहीं कर पाए. डॉक्टर्स कुडंट डायग्नोस हिज डिजीज. डॉक्टर्स कुडंट डायग्नोस हिज डिजीज. डॉक्टर्स उसकी बीमारी पता नहीं कर पाए. तुम कौन हो भला, मैं तुम्हें नहीं जानता. तुम कौन हो भला, मैं तुम्हें नहीं जानता. हु माइट यू बी, आई डोंट नो यू. हु माइट यू बी, I don't know you. तुम कौन हो भला, मैं तुम्हें नहीं जानता. तुम कौन हो भला, Who might you be? सांड को आता देखकर उसे भागना पड़ा. सांड को आता देखकर उसे भागना पड़ा. Seeing the bull coming, he had to run away. Seeing the bull coming, he had to run away. सांड को आता देखकर. Seeing the bull coming. मैंने उसे यहाँ ना आने के लिए कहा. मैंने उसे यहाँ ना आने के लिए कहा. I told him not to come here. I told him not to come here. मतलब मैंने उसे यहाँ ना आने के लिए कहा. वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता. वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता. समय बड़ा बलवान है. तब इसका इंग्लिश बनेगा, It won't take time for times to change. It won't take time for times to change. मतलब कि समय को बदलने में समय नहीं लगता. वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता. कैसा लगा ये सेंटेंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी है, अब फैसला उसका है. मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी है, अब फैसला उसका है. I have spoken my heart to her, now it's up to her. I have spoken my heart to her, now it's up to her. मतलब कि मैंने अपने मन की बात कह दी है, अब फैसला उसका है. समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. Time is a good healer. Time is a good healer. मतलब कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा. समय सब कुछ ठीक कर देगा.
कोई खरीददार है नजर में बहुत गरीबी छा रही है, कोई खरीदार है नजर में बहुत गरीबी छा रही है। इज देयर एनी कस्टमर इट्स बीन अ डेज ऑफ पॉवर्टी। इज देयर एनी कस्टमर इट्स बीन अ डेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि क्या कोई कस्टमर है गरीबी के दिन आ गए, मतलब गरीबी छा रही है। इज देयर एनी कस्टमर इट्स बीन अ डेज ऑफ पॉवर्टी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं बखूबी जानता हूं कि वह कहाँ है, मैं बखूबी जानता हूं कि वह कहाँ है। सेंटेंस आप इसका ट्रांसलेशन जानते हैं, लेकिन कहने का तरीका हिंदी में थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ कहने का मतलब है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, तब इसका इंग्लिश बनेगा आई नो वेरी वेल वेयर ही इज, आई नो वेरी वेल वेयर ही इज, मतलब कि मैं बखूबी जानता हूँ कि वह कहाँ है। कहना आसान है पर करना मुश्किल, कहना आसान है पर करना मुश्किल, तब इसका इंग्लिश बनेगा इट्स ईजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू, इट्स ईजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। तुम मुझे समझते क्या हो, तुम मुझे समझते क्या हो, व्हाट डू यू टेक मी फॉर, व्हाट डू यू टेक मी फॉर, तुम मुझे समझते क्या हो, हे व्हाट डू यू टेक मी फॉर, तुम मुझे समझते क्या हो। इस तरह से हम इस सेंटेंस को कहते हैं। अगला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और टफ सेंटेंस है। हाथ की लकीरों पर मत जाओ, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हाथ की लकीरों पर मत जाओ, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तब उसका इंग्लिश बनेगा डोंट बिलीव इन दोज पाम लाइंस इवन दोज हैव लक हु डोंट हैव आर्म्स, डोंट बिलीव इन दोज पाम लाइंस इवन दोज हैव लक हु डोंट हैव आर्म्स, मतलब नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। इस तरह से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। कैसा लगा ये आखिरी सेंटेंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितने सेंटेंसेस आपको पता थे, प्लीज़ अपने नंबर्स ज़रूर पुट कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये सेंटेंसेस सीख पाए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे आईलेट्स वोकैबुलरी। तब तक के लिए गुड बाय।